आपको बोलने से रोका जा रहा है, हमको निलंबित कर दिया। देखिए, इस संसदीय व्यवस्था में कोई भी स्पीकर, और विशेष करके ऐसा स्पीकर जिसको सब दल ने चुन के कुर्सी पर बैठाया, वो कभी नहीं चाहेगा कोई भी माननीय सदस्य को निलंबित करने के लिए। लेकिन आखिर आसन को भी, उनके आचरण को कहाँ तक बर्दाश्त कर सके, इसका भी एक सीमा होता है। जब आसन को ये महसूस होता है कि संसदीय व्यवस्था और आसन के साथ, आप यूं कहिए न्यूड शब्द में अगर मजाक हो रहा है, जब आसन आहत होता है तो आसन को मजबूरन इस तरह का कार्रवाई करना पड़ता है। और मैं बिल्कुल ही नरम दिल का व्यक्ति हूँ और बहुत ज़्यादा साहसी भी नहीं हूँ, लेकिन हमको इस संसदीय मर्यादा को रक्षा करने के लिए इस तरह का निर्णय लेना पड़ रहा है, इसके लिए मैं खुद ही दुखी हूँ। आप पुनर्विचार करेंगे क्या, मांग हो रही है कि? अच्छा, जब पुनर्विचार के लिए हमारे पास आएगा तो विचार निश्चित करेंगे। वह भी हमारे सदन के, वह भी हमारे माननीय सदस्य हैं, आखिर सदन पक्ष और विपक्ष के लिए है। और उन तमाम माननीय सदस्य हमारे सदन के, दूसरा जो बड़ा दल है तो उसका सदस्य है, वो तो निश्चित रूप से मेरा ही मेंबर है, मेरा ही सदन का सदस्य है, उन पर मेरा कोई नहीं है। लेकिन चूंकि तत्कालिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस तरह का निर्णय लेने का प्रावधान संवैधानिक व्यवस्था में है, और उसी तरह हम लोग भी हैं, इसमें कोई पक्षपात नहीं है।